तो देखो बंधु, थॉर लव एंड थंडर के अंदर कुछ ऐसा भी सीन दिखाया गया है जिसको हमें एक्सप्लेन नहीं किया गया और वो एक सवाल बन के रह गया है। जैसे कि थॉर के पास पहले से पावर था कि वो अपना पावर किसी भी बच्चे के साथ या किसी के भी साथ वो यूज कर सकता था, तो उसने पहले यूज क्यों नहीं किया? ऊपर से म्योनिर अभी तक जुड़ा हुआ कैसे है? गॉड की बेटी अचानक से इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गई? उसके अंदर क्या लफड़ा चल रहा है? क्या जेन फॉस्टर हमें फिर से देखने को मिलेगा? ये क्या यहाँ पे थॉर का जो फ्यूचर होने वाला है वो डार्क होने वाला है या बस यहाँ पे द एंड हो गया थॉर का? तो सारे सवाल का जवाब देने वाला हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बच्चे के पास पावर देने वाला जो पावर है वो कहां से आ गया। तो इसका साफ-साफ जवाब है ओडिन। अब ओडिन आपको पता ही होगा बहुत ज्यादा पावरफुल वो गॉड थे और ऊपर से मोस्ट पावरफुल एस्गार्डियन भी वो थे। वो इतना ज्यादा पावरफुल थे कि उसने डेथ गॉड हेला को भी कैद करके रखा था और तब तक हेला वापस नहीं आई जब तक यहां पे ओडिन मर नहीं गए। तो इससे ये साबित हो जाता कि ओडिन बहुत ज्यादा पावरफुल थे और ओडिन ने खुद ही बोला था रैग्नारोक के अंदर कि थॉर मेरे बेटे, तुम मेरे से भी अच्छे हो, तुम मेरे से भी ज्यादा पावरफुल हो। इससे ये तो कंफर्म हो जाता कि थॉर अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। ऊपर से ओडिन का एक और पावर था कि वो किसी भी चीज के ऊपर अपना एन्चेंटमेंट यानी कि वो अपना श्राप या किसी भी चीज के ऊपर अपना वरदान दे सकते थे। और वैसे यदि बात करें तो उन्होंने जब एन्चेंटमेंट डाला था म्योनिर के ऊपर तो उन्होंने बस एक यहां पे एन्चेंटमेंट डाला था और उसके कारण से थॉर अनवर्दी हो गया था। तो इससे ये कंफर्म हो जाता कि ओडिन के पास बहुत ज्यादा पावर था और जब ओडिन मरे तो ओडिन का जो ओडिन फोर्स था और ओडिन का जो कुछ पावर था वो थॉर के पास ट्रांसफर हो गया और जो थॉर है अब मोस्ट पावरफुल एस्गार्डियन गॉड बन चुके हैं और दैट्स व्हाई वो अब किसी भी वस्तु के ऊपर और किसी भी चीज के ऊपर किसी भी आदमी के ऊपर अपना एन्चेंटमेंट लगा सकता है। और यही एक मेन रीजन है जिसके कारण से थॉर ने बहुत ही आराम से सारे ही बच्चे के अंदर अपना पावर को ट्रांसफर कर दिया। और यहां पे थॉर ने ये भी दिखा दिया कि अब उसके अंदर कोई भी ईगो नहीं है कि भाई मैं बहुत ज्यादा पावरफुल गॉड हूं और जो पावर है वो मेरा ही है और किसी का नहीं हो सकता है। वहां पर वो दिखा दिया कि अपना पावर वो किसी के साथ भी शेयर कर सकता है, वो अब अच्छा बंदा बन चुका है, ऊपर से अब वो किसी का भी मदद ले सकता है कोई भी काम करने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो ईगो में जाके अब अकेले कुछ भी करेगा। अब यहां पे बात कर लेते हैं कि गौर की बेटी के साथ क्या चल रहा है और उससे पहले बात कर लेते हैं नेक्रोसॉर्ट के बारे में। बहुत को ये दिमाग में चल रहा है कि भाई जो हेला के पास नेक्रोसॉर्ट था वो तो बहुत ही ज्यादा इंसेन लेवल पे पावरफुल था और उसको तोड़ने के लिए थॉर भी हजार बार सोचा था या उसको तोड़ने के लिए थॉर भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किया था और ऊपर से शटर के ऊपर भी बहुत ही आराम से हेला ने उसी नेक्रोसॉर्ट से मारा था, तो उसको कैसे यहां पे म्योनिर से बहुत ही आराम से तोड़ दिया गया। यहां पे डायरेक्टर का गलती है कि उन्होंने इतना पावरफुल यहां पे सॉर्ड को मतलब फालतू का वेस्ट कर दिया। तो मुझे नहीं लगता कि अब आगे इसका फ्यूचर क्या होगा, लेकिन हां यहां पे यही एक रीजन था कि डायरेक्टर का प्रॉब्लम है ना कि यहां पे सॉर्ड का प्रॉब्लम है। सॉर्ड तो पावरफुल था ही लेकिन डायरेक्टर ने उसे डाउनग्रेड कर दिया। तो यहां पे हम बात कर लेते हैं तीसरे सवाल के जवाब के बारे में कि गौर की बेटी अचानक से इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गई। तो भाई देखो, मुझे भी अजीब लगा था लेकिन इसका जवाब मिल चुका है। अब देखो, जो गौर की बेटी थी पहले इतना ज्यादा पावरफुल बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन जब एटर्निटी ने उसे फिर से लाइफ दिया तो वो अचानक से पावरफुल हो गई। कैसे, वो भी मैं समझाता हूँ। एटर्निटी के पास बहुत ज्यादा पावर था और यदि हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो गौर की बेटी अब पूरी तरह से नहीं है। कैसे, वो भी मैं समझा देता हूँ। तो जो भी इंसान या जानवर एक बार मर जाता है या मर जाती है तो उसके बाद जब उसको लाइफ मिलता है तो उसके अंदर बहुत सारा चेंजेस आता है या जो भी गॉड उसको या जो भी यहाँ पे डेविल उसको प्राण दिया होता है या उसको लाइफ दिया होता है कुछ ना कुछ अपना पावर उसके अंदर डाल ही देता है। और लूसीफर का बहुत सारे स्टोरी के अंदर तुमने ये देखा होगा, सेम ही हुआ इटर्निटी के साथ। जब इटर्निटी से गॉड ने मांगा अपनी बेटी को, तो जब गॉड ने अपनी बेटी को मांगा इटर्निटी से तो इटर्निटी ने उसको लाइफ तो दे दिया, लेकिन लाइफ देना इतना भी ज्यादा आसान नहीं था। तो इटर्निटी ने अपना पावर ही या कह सकते अपना एक छोटा सा अंश उनके मेमोरी के साथ यानी कि गॉड की बेटी के मेमोरी के साथ दे दिया और गॉड की बेटी बन के इटर्निटी ही आ गई है। क्योंकि यदि तुमने रिफ्लेक्शन देखा होगा वाटर के अंदर तो वहां पे साफ-साफ दिखाया गया कि जो गॉड की बेटी है कहीं से गॉड की बेटी नहीं है, उसके अंदर एटर्निटी का पावर आ चुका है। दैट्स व्हाई वो इतना ज्यादा पावरफुल है। अब यहां पे बात कर लेते हैं कि एटर्निटी वो है, चलो ठीक है मान लिया, लेकिन उसने कैसे यहां पे बहुत ही आराम से स्टॉर्म ब्रेकर को उठा लिया? तो ये है हमारा चौथा सवाल। तो देखो, सिंपल सा जवाब है, थैनोस ने भी बहुत ही आराम से उठा लिया था क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ था। साथ ही साथ कैप्टन अमेरिका ने भी उठा लिया था क्योंकि उसके अंदर भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ था। तो इसीलिए हम मान सकते हैं कि स्टॉर्म ब्रेकर को उठाना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। जब कैप्टन अमेरिका उठा सकते उसे तो बहुत ही आराम से जिसके पास एटर्निटी का पावर है वो लड़की तो इजीली उठा ही लेगा ना। तो इसीलिए जो गॉड की बेटी है उसने बहुत ही आराम से म्योनिर को भी उठा लिया क्योंकि वो वर्दी है, क्योंकि उसने कुछ भी यहाँ पे गलत नहीं किया और इसीलिए उसने बहुत ही आराम से स्टॉर्म ब्रेकर को भी उठा लिया है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नेक्रोसॉर्ट के बारे में कि नेक्रोसॉर्ट ने कैसे यहाँ पे गॉड को चुना था। तो सिंपल सा है, जैसे गॉड उसके ऊपर हाथ रखा था तो उसका हाथ कट
कट गया था और नेक्रोसॉर ने तुरंत ही जान लिया कि गॉर के दिमाग में क्या चल रहा है और उसका जो पेन है उसे फील कर लिया और उसी के पेन के ऊपर और उसी के दुख के ऊपर उसने फीड किया और उसने गॉर को उकसाया गॉर के विरुद्ध और बहुत ही आराम से उसको यहाँ पे अपने कब्जे में लेके उसके हाथ में जाके गॉर को मरवाना स्टार्ट कर दिया। यही जवाब है। ऊपर से एक और मैं जवाब आप लोग को दे देता हूँ, स्टॉर्म ब्रेकर, म्योनीर और साथ ही साथ जो यहाँ पे हमें नेक्रोसॉर दिखाया गया, एक ये लिविंग बींग है, ऐसा मत समझना कि ये एक यहाँ पे धातु का चीज है या कह सकते एक मेटल है, बस इतना ही नहीं है, उसके अंदर भी फीलिंग है, वो भी कुछ फील कर सकता है, इसीलिए वो चुन सकता है कि वो किसके पास जाना चाहता है या किसके पास नहीं जाना चाहता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो जेन फॉस्टर है क्या वो कभी वापस आएगी, तो देखो मार्वल स्टूडियो है, वालहला में उसे दिखा दिया गया, तो इसका मतलब ये भी है कि वापस भी वो आ सकती है या नहीं भी आ सकती है, इस पर मैंने वीडियो के अंदर बात करके रखा है, वीडियो यदि नहीं देखा है तो आपका गलती है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि थॉर का फ्यूचर क्या होने वाला है, थॉर 5 आने वाला है या नहीं आने वाला है, तो देखो थॉर 5 आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है, क्योंकि यदि ध्यान से देखोगे तो देखो हिंट दे दिया गया है कि थॉर 5 आएगा, हमें हरकुलिस को दिखा दिया गया है और ये भी बता दिया गया कि स्टोरी क्या होगा, हरकुलिस लड़ने के लिए आएगा, अर्थात यहाँ पे थॉर का फाइट होगा गॉड्स के विरुद्ध, ये तो हमें दिखा दिया गया है। लेकिन यहाँ पे थॉर का जो फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा डार्क होने वाला है, क्योंकि भाई यहाँ पे वेस्ट कर दिया गया है थॉर को, और थॉर का नहीं तो अच्छे से पावर दिखाया गया है और नहीं ये मूवी अच्छा था तो फैन को पसंद नहीं आया, तो यहाँ पे देखो थॉर 5 आएगा लेकिन अभी उसको आने में बहुत ही ज्यादा टाइम है। तो देखो यही थे कुछ सवाल जिसका मुझे जवाब देना था, तो मैंने आप लोग को दे दिया, यदि आपके मन के अंदर कुछ और भी सवाल है तो कमेंट कर देना, उस पर भी मैंने वीडियो बना के आप लोग को बता देना है, और यदि ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, मैं मिलता हूं आप सबको फिर से एक ऐसे इंटरेस्टिंग कमाल के वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, आई लव यू ऑल, और हां कीप वॉचिंग सुपर टॉक, बाय।